आज हम हाइड्रोसिल के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा निकालेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है और इसकी क्या ट्रीटमेंट है और ऑपरेशन के बाद क्या क्या हो सकता है। ये पेशेंट का लेफ्ट साइड बड़ा हाइड्रोसिल और राइट साइड छोटा हाइड्रोसिल है। कॉस्मेटिक तरीके से एक छोटे से कट से कैसे दोनों बाजू ऑपरेट करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। तो ऑपरेशन में हम ऊपर के लेयर्स धीरे धीरे ओपन करते हैं। हाइड्रोसिल दो प्रकार के रहते हैं, प्राइमरी हाइड्रोसिल और सेकेंडरी हाइड्रोसिल। सेकेंडरी हाइड्रोसिल यानी कोई इन्फेक्शन, चोट लग गए या फिर कोई कैंसर की बीमारी है या कोई इन्फेक्शन है जैसे कि फाइलेरियासिस या हाथी पगा, तो इसे सेकेंडरी हाइड्रोसिल बोलते हैं। प्राइमरी हाइड्रोसिल यानी कोई ठोस कारण के बिना हाइड्रोसिल हो रहा है, यानी पानी जमा हो रहा है, जैसे कि पानी ज़्यादा अंदर गोटी के कवच में बढ़ रहा है, या तो फिर जो एब्जॉर्प्शन यानी जो खींचने का जो सतह रहती है वो सतह बराबर पानी को खींच नहीं पाती है, तो धीरे धीरे पॉजिटिव बैलेंस बनने लगता है जिससे वजह से हाइड्रोसिल में पानी बनने लगता है। तो बेसिकली गोटी का साइज नहीं बढ़ता है, बट ये गोटी के ऊपर जो कवच है वो कवच और गोटी के बीच में जब कोलेस्ट्रॉल का पानी जमा हो जाता है तो इसे हाइड्रोसिल आमतौर पर बोलते हैं। तो ये प्राइमरी हाइड्रोसिल है। प्राइमरी हाइड्रोसिल में अगर अक्सर साइज बड़ा हो जाता है तो ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं प्राइमरी हाइड्रोसिल की सर्जरी। जब भी प्राइमरी हाइड्रोसिल साइज में बड़ा हो जाता है तो इसके पानी के प्रेशर के कारण गोटी पे दबाव आता है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई कम होता है, गोटी बहुत लंबे अरसे पे सिकुड़ने लगती है, हॉर्मोन्स में भी कमी होती है और स्पर्म क्वालिटी में भी असर आता है, जिसके कारण बच्चे पैदा होने में भी तकलीफ आ सकती है। इसके कारण प्राइमरी हाइड्रोसिल अगर साइज में बढ़ने लगता है या तो फिर कड़क हो जाता है तो ऑपरेशन करना जरूरी बन सकता है, वो आपका सर्जन आपको बताएगा। तो बेसिकली हाइड्रोसिल का जो कवच है ट्यूनिका वजैनलिस, इसे हम खोल रहे हैं और पूरा पानी निकालने के बाद इस दीवार को उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने से वापस पानी बनने के आसार कम हो जाते हैं और रिकरेंस रेट यानी ऑपरेशन के बाद वापस हाइड्रोसिल होने के चांस एकदम कम हो जाते हैं। तो प्राइमरी हाइड्रोसिल में बेसिकली दीवार ऐसे उल्टी करते हैं। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या कोई देसी दवा काम नहीं करती, सिर्फ ऑपरेशन इसका सही ट्रीटमेंट है। पिघलने वाले स्टिचेस से हम वापस अंदर की दीवार को जो हमने उल्टी की है उसे पास में रख के सिलाई करते हैं जिससे वापस वो खुल ना जाए। तो ये हाइड्रोसिल की जो दीवार है उसे उल्टी करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है ऑपरेशन के बाद। और इसी कट से हम दूसरी बाजू की गोटी, जिधर छोटा सा हाइड्रोसिल है, इसे भी हम उसी कट से चालू करते हैं, यानी एक ही कट से दोनों ऑपरेशन। अक्सर मरीज पूछता है कि क्या हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करने के बाद बच्चे पैदा हो सकते कि नहीं। अगर ऑपरेशन के टाइम अगर गोटी में डैमेज नहीं है तो तकलीफ नहीं आती। कुछ लोग सुई या नीडल से पानी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकता है, मवाद बन सकता है, गोटी को इजा हो सकती है और आगे जाके तकलीफ बढ़ सकती है। तो एक ही कट से कैसे दोनों बाजू का ऑपरेशन होता है बताया। आखिर में गोटी को वापस क्रोटम के पाउच में रख देते। तो ये था कॉस्मेटिक ऑपरेशन हाइड्रोसिल का, दोनों बाजू का एक ही छोटे से चीरे से, और एक कट को हम पिघलने वाले टाके से बंद कर देते और जो बाद में निकालने की जरूरत नहीं पड़ती और दिखता भी नहीं है। वीडियो पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हाइड्रोसिल का सही इलाज और ट्रीटमेंट से आपको आगे जाके तकलीफ कम हो सकती है। सब्सक्राइब कीजिए योर सर्जन हेल्थ चैनल।